स्कूल जा रहा हूँ, 100 का नोट दे। के गया वोट तू? या तू कौन सा प्रधानी का इलेक्शन लड़ रहा? जो तुझे वोट इलेक्शन भी लड़ूंगा, वो भी MLA का लड़ूंगा। अरे बकवास मत ना कर, 10वीं में 10 बार फेल हो लिया तू। ये तो दूसरे कोई चौकीदारे में भी ना रखे, बात करे MLA बनने की। मुझे स्कूल जाने को देर हो रही है, 100 का नोट दो जल्दी। अरे 100 रुपए का केक रखा, आधी छुट्टी में दही बल्ले खाऊंगा। अरे दही बल्ले तो लुगाइयों के खाने का सौदा हो, ये पकड़ 10 रुपए और चने और मुरमुरे खा लिए। चने तो घोड़े खावे हैं। केक या थोड़ा खावे, रखा कर तू तो पूरा दाब के खावे, थोड़ा न खाता। पैसे ना देने मत दो, कम से कम दिमाग तो मत चाटो। अच्छा रे दिमाग चाट रहा, जा साले टल जा जाते कान पाड़ का, साले गुद्दी पीछे लगा तुम्हें निकम्मा कहीं का। अरे वो गुलूर सिंह, खबरदार अगर जो मेरे लौंडे को चू भी करी तो। अरे तू चू की बात कर रही, मेरा बस चला ना, मैं तो इस दूसरे को चू चू का मुरब्बा बना दूंगा। देख ले माँ, पिताजी मुझे क्या कह रहा। तू स्कूल जा, इसे तो मैं देख लूंगी। बता पूरी तेरे लाड प्यार ने ढोलू बिगाड़ दिया, ना तो पढ़ता लिखता ना सुसरा घर का हिल्ला करता। के करवावेगा ढोलू से, खेत में हल चलवावेगा। तू तो कतई मेरे बालक के पीछे ही पड़ गया। के कया पालक सड़ गया, मगा पूरी तरह धोके न दरा तक कर दिया ना ना। अरे भैरे ठीक से सुन लिया कर, नहीं तो तेरे कानों में घोट ना घुमा दूंगी। देखा तू मेरे पे हाथ ना उठाए कर, नहीं तो। नहीं तो के करूंगा, पूछ दबा के चुपचाप निकल जाऊंगा। एक बात है, मेरा गलूर सिंह है बड़ा भोला, कितना भी धमका लूं पर कदी पलट के जवाब नहीं देता। हाय हाय, आज दोपहर को मटर पनीर की सब्जी और जीरे वाले चावल बनाइए। तेरी जीभ तो हमेशा लपाटे मांगती रहा। ऑर्डर तो ऐसे कर रहा जैसे कि हमारे घर में पनीर की फैक्ट्री खुल रही हो। अरे तू क्यों चिंता कर रही है, तिगड़म पाल ने झोला ठा लिया तो समझ ले पनीर का जुगाड़ हो गया। डेरी पे जा रहा के पनीर लेने? डेरी पे तो पैसे का पनीर मिलेगा, और मैं किसी को अन्ना दुआल हूँ नहीं, मैं तो अपनी तिगड़म बाजी था लम्मा, और वो भी फ्री का। मुफ्त का लावेगा तो घड़ा सारा लइए। अरे चाचा तिगड़म पाल है के? ना मैं तो अमिताभ बच्चन हूँ। जब तुझे दिख रहा मैं तिगड़म पाल हूँ तो मेरे तो पूछ क्यों रहा तू? चंदू ये पैसे हमें देने के लिए लाया है के? अरे चाची ये तो चंदे के पैसे हैं, और मैं तो थारे ते भी चंदा लेना आया। किस बात का चंदा मांगता फिर रहा तू? चाचा मैं तो हूँ समाज सेवक, और मैं माता रानी का भंडारा करवा रहा। किसी ने चावल दिए, किसी ने चून दिया, किसी ने तेल दिया, किसी ने पैसे दिए, अब तुम भी कुछ दे दो। ठीक है बा चंदू, जब सब दान दे रहे तो हम भी देंगे, क्यों भाई? हाँ जी। रुक तू। चंदू मैं भंडारे में दान में एक बाल्टी पानी दे रहा। अरे चाचा मैं पानी का क्या करूँगा? अरे तू नू तो बता, जो चीज पकेगी पानी में ही तो पकेगी, रसन तन्ने जोड़ लिया पानी में दे रहा हूँ। भाई मैं तो दान ले सकूं, दे नहीं सकता। अरे चाचा तन्ने तो पूरा हराम खाने पे कमर कस रखी, तेरे तो पूरा गांव परेशान है। गाँव को परेशान होंदे, मगर तू हमें परेशान मत कर, चल चल यहाँ से। ये तू ऐसा कर, लिकड़ ले, नहीं तो मैं ये छीन लूँगा। आहा, जा रहा हूँ। देखा इसे पट्टे को, इसे नू नहीं पता तिगड़म पाल चंदा किसी को देता नहीं, लेवे लेवे। ठीक है मर्जी, मैं जाऊँ और पनीर ले आऊँ। मटर भी ले आइयो। आते टाइम किसी के खेत में था मटर भी पाड़ लूंगा। ठीक है जा रहा हूँ मैं।
आज तो पनीर का जुगाड़ करके लम्मा कहीं तक पनीर लेके यार मटर किसी के खेत में लम्मा पाड़ के। ताऊ बहरा कहाँ तक टपक पड़ा आज यू मेरे पिता अपने 5,000 रुपए मांगेगा पर मेरा नाम भी तिकड़म पाल है मैं भी इसे ढिला देने वाला नहीं। इस तिकड़म पाल ने 5 साल पहले मेरे पिता 5,000 रुपए लिए थे सारे ने आप लोग नहीं दिए जब भी पैसे मांगू आमे टामे बतावे आज इस पिता पैसे वसूल करके ही छूट दूंगा। सुश्री करकट पैसे ले तो ले देख तो जोर पड़े मेरी इंतर लड़ाई मोल लेते फिरो भाग ले साले को आप भाग गए आज भाग कर ना तू तुझे को आता कहाँ भाग गए पैसे ना देने सावड़ कह रहेगा मेरे पैसे काट दे ना साले तेरा भन्नू उठा तू। अरे ताऊ मुझे क्यों पकड़े मैं तो पहले ही बीमार हुआ पड़ा है के गया बेकार हुआ पड़ा तेरी लुगाई ने तेरा सारा ही जूस निचोड़ लिया के घर वाली ने मेरा जूस ना निचोड़ा ताऊ मेरे फेफड़ों को तो दीमक चाट गई मैं तो दवाई लेने जा रहा हूँ। के कया लुगाई लेने जा रहा अरे ससुरे तेरे पर वो एक तो थम नहीं रही दूसरी लेने की तैयारी में लग गया। अरे ताऊ मैं लुगाई लेने ना जा रहा मैं बीमार हूँ मैं दवाई लेने जा रहा इस झोले में। दवाई लेने जा रहा है वो भी इस झोले में अरे ससुरे यूँ बताए थे पूरे मोहल्ले का बीमारी हो रही है के? अरे ताऊ मैं तो अपनी दवाई लेने जा रहा गुर्दा मेरा खराब हुआ पड़ा फेफड़ों को मेरे दिमाग चाट गई लीवर का कंडेंसर फूका पड़ा और दिल का गेर बक्सा हिला पड़ा ताऊ। अब अरे ससुरे पैसे देने का मारो बीमारी का बहाना बना के बता रहा हम मरने तो पहले मेरे पैसे दे दे पैसे मेरे तो अटैक आ गया आए आए इबनी बचू मैं मेरा तगड़ा सुनकर तो इसका हार्ट अटैक आ गया तो भाई मर भी सके भाई गलूर सिंह जो यू मर गया ना इसकी मौत का इल्जाम तेरे सिर पर आ जाएगा और मैं तुझे तो जेल की सजा हो जाएगी फायदा बेटे गलूर सिंह इसी में है पतली गड़ी तो निकल ले बजाना साले में तो जा रहा हूँ। वाह बेटे तिगड़म पाल तिगड़म्बाज की तिगड़म्बाजी काम कर गई अगले बेटे यू 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 बेटे यहाँ तो मटर लग रही है कोई याद नहीं रहा। वाह बेटे मटर खड़ी हरी हरी यंत्री तोड़ के जोड़ा भर लो कभी कोई आ जा पाल कहाँ है उसका अरेस्ट वारंट है मेरे पास। हवलदार साहब मेरा आदमी तो घना सीधा आपको किसने कह दिया उसे गिरफ्तार करने के लिए। हाँ तुमने पूरे गांव को परेशान कर रखा तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है तुम्हारे खिलाफ कई लोगों ने FIR दर्ज कराई है। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है दीवान जी हमसे ज्यादा शरीफ ना है पूरे गांव में कोई। हाँ शराफत तो थारे माथे से टपक टपक के गिर रही तू बात ना बंगा रहे उस तिगड़म पाल गुबला कहाँ है। वो तो गया हुआ है कहीं तुम बैठो मैं चाय पानी लस्सी का इंतजाम करती हूँ। दूध दही तो मैंने तड़की पी ली थी चाय पानी मैं पिया नहीं करता कोई अंग्रेजी की बोतल सोतल हो तो लिया ठाक है। लठैत सिंह हवलदार रिश्वत को तो हाथ भी नहीं लगाता रिश्वत देने की कोशिश भी मत करिए। हाँ हमने तो मर्डर कर रखी है छूटने के खाते तुझे रिश्वत दूंगी चला जाए यहाँ से नहीं तो गाली दे दूंगी। अच्छा रे तू पुलिस को गाली दे देगी अब तो तुझे भी अरेस्ट करना पड़ेगा चल थाने। आज की नारी पुरुष पे भारी निकाल दूंगी तेरी सारी हुशियारी ले ले और ले आजा पकड़ ले आया बड़ा पकड़ने वाला। Thank you.
ओ बेटा ढोलू। हाँ माँ। रोटी खा के खेत को चला जा, तेरे पप्पू भूखा बैठा, उसकी रोटी ले जा। हाँ माँ, मैं जा रहा खेत पे, मुझे गिल्ली डंडा खेलने जाना है। अरे पहले रोटी दिया, गुल्ली डंडा बाद में खेल लिए। अरे माँ, एक दिन बापू रोटी ना खाने का तो कमजोर ना हो जाएगा। अरे नाश के, तू तो बिल्कुल निकम्मा हो रहा, काम करते तेरे दम निकले, सारा दिन खेलता रहे। ला माला रखती ला, बापू की देखा हूँ। भाग गया चकमा दे के, गुल्ली डंडे के पीछे तो कत्ते ही नाश पीटा बाबला हो रहा, जैसे मेडल लावेगा जीत के। इमरती। हाँ जी। देख ले, मैं अपनी तिकड़मबाजी से मटर पनीर ले आया, तो दावड़ी सी मटर पनीर की सब्जी बना ले, फिर दोनों मिलके फ्री की दावत खाओगे। फ्री की दावत हम महीने में 20 बार खाओगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हाँ तो मुजरिम मौके पर पकड़ा गया और थाने चल बेटे, तेरा हुड़क चुल्लू बनाऊंगा। अरे मन ने के जुर्म करा जो मैं थाने जाऊं? के कहे नहाने जाऊं? अरे खसम यू नहाने का टाइम धरा आके, पहले थाने चल, वहां ना मांगे तुझे रगड़ रगड़ के शैम्पू। ताऊ ये क्या ड्रामा है, पुलिस को मारे घर क्यों लाया? ताऊ से के पूछे, हम बतावेंगे, तुम दोनों मरद वीर ने ताऊ के पैसे मार रखे, सारे गांव को परेशान कर रखा और पुलिस पे भी वार करे, 5 साल को अंदर जाओगे। तुम्हें ना तो अपनी इज्जत की परवाह, ना गांव वालों की इज्जत की परवाह, तुमने तो गांव वालों की शराफत का नाजायज फायदा उठा रखा। यू तो उस वाली होगी, अपना काम बढ़ता और भाड़ में जाओ जनता। चलो देर ना करो, थाने चलो। अजी पुलिस हवालात में डंडों से पिटे है के? हाँ, डंडों से तो पिटे है, पर गाल में बहुत गुस्से बजावे। ताऊ दीवान जी, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया, हमें माफ कर दो। और हम ताऊ जी के पैसे भी लौटा देंगे और गांव वालों को आज से शिकायत का मौका भी नहीं देंगे। बोल ताऊ, अब के चाहे तू? अब तू ही बता अंगूरी, इन दोनों की गैल कैसे लूक करे? जब इन दोनों ने अपनी गलती की माफी मांग ली तो इन्हें माफ करना चाहिए। है, के कया इंसाफ करना चाहिए। अरे ये दीवान जी इनकी गैल ना इंसाफी की बात थोड़ा ही कर रहे हैं। ओए होए बहरे, मैं तो तेरे कानों से बड़ा दुखी हूँ, मैं यूँ कह रही इन्हें माफ कर दे। चल अंगूरी, जब तन्ने माफी का हुक्म सुनाई दिया तो हमने ये दोनों माफ कर दिए, तू भी के याद रखेगी। तो बहरा तो ऐसी मौज बंद है।